नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के बीचों बीच एक बार फिर जंगली जानवर का मूवमेंट हुआ है। मैनेट में रात में कुछ स्टूडेंट्स ने जानवर को देखा जिसने गाय को शिकार बनाने की कोशिश की। पीठ पर पंजे के निशान है, पंजों के निशान से जानवर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जानवर टाइगर और तेंदुआ दोनों में से एक हो सकता है। एहतियातन कैंपस में स्टूडेंट्स के घूमने पर रोक लगा दी गई है, उन्हें हॉस्टल में ही रहने को कहा गया है। इधर वन विभाग लगातार सर्चिंग करने में जुटा है, ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। की टीम जब मैनेट पहुंची तो स्टूडेंट्स में जानवर का खौफ नजर आया, वह समूह में घूम रहे थे। सभी हॉस्टल कैंपस के गेट बंद कर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात 11 बजे तीन स्टूडेंट बाइक से हॉस्टल जा रहे थे, तभी उन्हें जानवर अपनी ओर आता दिखाई दिया। वे इतने डर गए कि वहीं बाइक छोड़कर भाग गए। उन्होंने इसकी जानकारी वार्डन और गार्ड को दी। वन विभाग को सूचना मिलने पर वाल्मी में पेट्रोलिंग कर रही टीम सर्चिंग के लिए मैनेट पहुंची। रात भर सर्चिंग की गई। सुबह डीएफओ आलोक पाठक और एसडीओ आरएस भदौरिया भी मौके पर पहुंचे। जानवर ने दो गायों की पीठ, गले और पैरों पर हमला किया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पंजों के निशान को देखते हुए वन विभाग टाइगर या फिर तेंदुए के हमले की आशंका जता रहा है। डीएफओ पाठक के अनुसार पंजे के निशान छोटे हैं, ऐसे में यह टाइगर का शावक हो सकता है। तेंदुए के होने की भी आशंका है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।